नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ दीदी पोखरियाल। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के वेस्टइंडीज के खिलाफ आउट दिए जाने पर विवाद हो गया है। रोहित को भारतीय पारी के छठे ओवर में केमार रोच की गेंद पर विकेट कीपर के हाथ कैच आउट दिया गया। ये फैसला थर्ड अंपायर ने DRS से लिए जाने पर दिया। इससे पहले मैदानी अंपायर ने कैच आउट करार दिए जाने की अपील ठुकरा दी थी। रोहित शर्मा थर्ड अंपायर के इस फैसले से असहमत नजर आए। दरअसल छठे ओवर की आखिरी गेंद रोहित शर्मा के बैट और पैड के बीच से निकली। इस पर वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने अपील ठुकरा दी। इस पर वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने रिव्यू ले लिया। DRS में सामने आया कि गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकली थी, लेकिन उसके बल्ले को छूकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाने पर क्लियरिटी नहीं थी। अल्ट्रा एज में दिख रहा था कि गेंद बल्ले में पैड से लगभग एक ही समय पर लगी। वहीं रोहित की पत्नी रितिका इस फैसले से काफी नजर आई। उन्होंने फैसले के विरोध में अपना हाथ हल्का सा उठाया। कमेंट्री बॉक्स में मौजूद लोग भी अंपायर के फैसले के पक्ष में नहीं दिखे। हिंदी कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा, दीप दास गुप्ता और हरभजन सिंह ने कहा कि DRS में बेनिफिट ऑफ डाउट लग रहा था, ऐसे में फैसला बल्लेबाज के पक्ष में ही जाता है। उन्होंने कहा कि अंपायर ने फैसला देने में जल्दबाजी कर दी। आउट होने से पहले रोहित ने तेज गेंद में एक चौके और एक छक्के की मदद से 18 रन बनाया। उन्होंने शुरुआत तो धीमी की, लेकिन इसके बाद उन्होंने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।